हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की। दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट आई थी 2023 के अंदर। तो दोस्तों, उसके अंदर आपकी एक पोस्ट आई थी हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट का। तो जिसमें दोस्तों 40 के करीब आपकी वैकेंसी था। तो दोस्तों, उनको जो है अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, कल ही 31 मई को आपका नोटिस आ गया था। दोस्तों, मैंने इवनिंग में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों शेयर कर दिया था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आपको इवनिंग में ही पता चल गया होगा कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये अपन बात कर रहे हैं 2023 वाली रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट थंबनेल को देखते नहीं हैं, डायरेक्ट दोस्तों कॉमेंट कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, 2024 वाली आपकी रिक्रूटमेंट चली हुई है, उनका कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। ओनली 2023 के अंदर एक पोस्ट थी दोस्तों, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट का, ओनली वही दोस्तों इसमें कैंसिल हुआ है। तो चलो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं क्या नोटिस बीएसएफ के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कल का ही ये नोटिस है, 31 मई 2024 का दोस्तों आपका ये नोटिस दिया हुआ है। और दोस्तों, इसमें जो मेंशन किया हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द 40 पोस्ट ऑफ जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल पैरामेडिकल स्टाफ विच वाज पुट ऑन होल्ड। एंड दोस्तों, इन वैकेंसी, ये जो 40 वैकेंसी थी हेड कांस्टेबल का, इनको होल्ड कर दिया गया है। और दोस्तों, वाइड कोरिजेंडम टू अपलोडेड ऑन द बीएसएफ वेबसाइट 28 अगस्त 2023। एंड दोस्तों, इनका कोरिजेंडम टू आया था 28 अगस्त 2023 को, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इनको जो है कैंसिल कर दिया गया है, यानी होल्ड कर दिया गया है। हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, यानी दोस्तों प्रशासनिक जो कारण है या ऑफिशियल कारण के कारण दोस्तों इनको जो है कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों, आपका जो फीस दोस्तों आपका कटा है, वो भी दोस्तों आपको रिफंड होने वाला है, ऐसा ही दोस्तों इसमें दिया हुआ है। अप्लीकेशन फीस सबमिटेड बाई अप्लीकेंट विल बी रिफंडेड, यानी आपका रिफंड हो जाएगा। टू कंडक्ट इन देयर अकाउंट, यानी उसी अकाउंट के अंदर जिस अकाउंट से आपने फॉर्म जो है फिलअप करते टाइम दोस्तों आपका जो पेड किया था, आपने जिस अकाउंट से आपका फीस कटा था, उसी अकाउंट में जो है आपका रिफंड होने वाला है, जो भी आपका पैसा कटा था। तो दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन थी कल का ही दोस्तों नोटिस है। आप देख सकते हैं 31 मई का ये आपका नोटिस है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको पता चल गया होगा। अभी दोस्तों आपको वेट नहीं करना है इस रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोस्तों, कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आता है, या दोस्तों जो आपकी एक रिक्रूटमेंट और आने वाली है बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर दोस्तों सी ग्रुप की। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बनाया गया था जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो रिक्रूटमेंट का जो ड्राफ्ट रूल होता है दोस्तों, वो बनाया गया था 2024 का, जिसके अंदर काफ़ी ट्रेड दोस्तों इंक्लूड की गई थी। मसाल सी है, ऐसे कुछ काफ़ी ट्रेड थी दोस्तों उनके अंदर। तो दोस्तों, हो सकता है आपके रिक्रूटमेंट उनके साथ इंक्लूड कर दी जाए, बट दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है। बट आपकी रिक्रूटमेंट दोस्तों आने वाली है ग्रुप सी के लिए। तो दोस्तों, अभी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो ओनली सब इंस्पेक्टर के लिए आई थी, एएसआई के लिए आई थी। तो दोस्तों, अभी जो आपकी रिक्रूटमेंट आएगी वो टेबल बॉय के लिए आएगी, वार्ड बॉय के लिए आएगी। और दोस्तों, उनके अंदर काफ़ी और जो आपकी वैकेंसी है वो भी आने वाला है। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी आने वाली है। तो दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट का जो ड्राफ्ट रूल दोस्तों तैयार हुआ था, उसमें सभी वैकेंसियों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आशा है कि आपका नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आ भी सकता है दोस्तों। कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ अपलोड नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।